गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 8 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या रूल्स है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, इसको हम लोग देखेंगे। सपोज दैट कि ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर 11 से हम लोग यह समझ रहे हैं कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन 2 8 1 ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। 281 या हम लोग कह सकते हैं 2K 8L 1M 2K 8L 1M दैट मीन्स के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन इस ढंग से अरेंज है। इसके बाद और डीप में हम जा रहे हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का है। 11 से हमको ये पता चल रहा है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। 2K 8L 1M से ये जानकारी मिल रही है कि ये 11 इलेक्ट्रॉन 3 प्लेस में है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और 1s2 2s2 2p6 3s1 इतना लिखने पर हमको डिटेल में जानकारी हो जा रही है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है और किस ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में है, ये जानकारी हमें मिल रही है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए ऑर्बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस एनर्जी लेवल दिखाया गया है। ऑर्बिट वाइज दैट मीन्स KLMNO फर्स्ट ऑर्बिट है। एक मिनट, KLMNO मिनट, यहाँ पर जो है देखेंगे KLMNO, यहाँ पर देखिए KLMNO ऑर्बिट को हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज द K, सेकेंड ऑर्बिट L, थर्ड M, N, O, P एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 को k से, सेकेंड ऑर्बिट को l से, थर्ड ऑर्बिट को m से, फोर्थ ऑर्बिट को n से, फिफ्थ ऑर्बिट को o से और सिक्स्थ ऑर्बिट को p से। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ऑर्बिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है।
और जानकारी मिल रही है कि सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस ऑर्बिट में है और किस ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द अरेंजमेंट द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट और सब ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट और सब ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट और सब ऑर्बिट। किसी भी एटम है, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, आप सभी जानते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितना है और किस ऑर्बिट के किस सब ऑर्बिट में कितना है, दिस इज द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं, वी कैन, आप लिखेंगे वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय फॉलोइंग फोर वेज। चार तरीके से, फोर डिफरेंट मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग लिख सकते हैं। वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय फॉलोइंग फोर वे। ये कौन सा चार तरीका है, ये कौन सा फोर वे है, कौन सा फोर मेथड है, इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है ऑर्बिट वाइज, ऑर्बिट वाइज। सेकंड है इनर्ट गैस वाइज, थर्ड वन इज सब ऑर्बिट वाइज, वाइज एंड फोर्थ वन इज ऑर्बिटल वाइज। ऑर्बिटल वाइज There are four methods, four way for writing the electronic configuration of any atom. That is first orbit wise, second inert gas wise, third suborbit wise and fourth one is orbital wise. ये चार तरीके से हम लोग electronic configuration लिख सकते हैं, but generally we write suborbit wise. चार तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ये सब ऑर्बिट वाइज ही जनरली इसी रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं, इसी मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट इज द सब ऑर्बिट वाइज। सब ऑर्बिट वाइज आपने देखा अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ था 1s2 2s2 2p6 3s1, that is the suborbit wise. We can write by following four way, but generally we write electronic configuration by suborbit wise.
जनरली वी राइट बाय दिस मेथड. जनरली वी राइट बाय दिस मेथड सब ऑर्बिट वाइज. सब ऑर्बिट वाइज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं. यहाँ पर आपने देखा ऑर्बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है. दैट इज द फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3, फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4, फिफ्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 5 एंड सिक्स्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 6. फर्स्ट ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, सेकेंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन, फिफ्थ ओ, सिक्स्थ पी एंड सो ऑन. अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोई एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और कोई दूसरा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 101 है. तो जिसका 1 है इसको तो आप बहुत आसानी से लिख दोगे 1s1. 2 भी है उसका भी बहुत आसानी से लिख दोगे 1s2. 3 भी है उसका भी बहुत आसानी से लिख दोगे 1s2, 2s1. बट आप क्या करेंगे जब 101 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना रहेगा, 101 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना रहेगा, तब आप कितना याद करोगे sp, df, 1s2, 2s2, 2p, s3, s3p, 3d, 4s, कितना आप याद करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल. सो देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वी एडॉप्ट दीज रूल्स फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कुछ नियम हैं जिसको फॉलो करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. ये सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम याद नहीं करते हैं. वी कांट रिमेंबर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, बट वी एडॉप्ट, वी फॉलो सम रूल्स विच हेल्प अस फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अब हम लोग देखेंगे ये रूल्स कौन सा है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में मदद करता है. इस रूल को हम याद करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी रूल होंगे. रूल याद करना आसान है, रूल्स को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम याद नहीं कर सकते हैं. तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये रूल्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, देखेंगे हम लोग. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या रूल्स है इसे हम लोग देखेंगे. क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल्स इसे हम लोग देखेंगे. देर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग the electronic configuration of the elements. There are certain rules for writing the electronic configuration of the elements. फर्स्ट रूल क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. इस रूल्स को हम याद करेंगे और इसी रूल्स के सहारे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे. हम किसी पार्टिकुलर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद नहीं करेंगे. फर्स्ट रूल क्या है. फर्स्ट रूल के अनुसार हम लोग ये जानेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड by 2n square where n is the number of orbit where n is the number of orbit. First rule kya hai, the maximum number of electrons in any orbit is represented by 2n square where n is the number of orbit. इस 2n square से किसी भी orbit में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, या 2n square का जो वैल्यू होगा इतना ही इलेक्ट्रॉन हम उस orbit में रख सकते हैं. जैसे आप देखेंगे यहाँ बनाया गया था orbit, तो suppose that n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. This is the KLM. अब इस फॉर्मूला से हम लोग डिफरेंट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की जानकारी हम लोग लेंगे. फॉर के सेल 2 into 1 square, that is the 2. फॉर L सेल 2 into 2 whole square, that is the 8. M cell 2 into 3 square, that is the 18. तो ये 2n square जो है, ये 2n square से किस ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे इसकी जानकारी हमें मिल रही है. दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, ये सेकंड में 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, और इस थर्ड में 18 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं. तो यहाँ पर ये 2n square हेल्प करता है हमें ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने में. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये लिमिट है, इससे ज़्यादा हम उसमें नहीं रख सकते, उसे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. सेकेंड रूल हम लोग देखेंगे. सेकेंड रूल क्या है ऑर्बिट इज डिवाइडेड इंटू सब ऑर्बिट, that is SPDF, which is determined by azimuthal quantum number value L is equal to 0, 1, 2, 3 respectively. सेकेंड रूल क्या कहता है कि ऑर्बिट इज डिवाइडेड इंटू सब ऑर्बिट. कौन सा सब ऑर्बिट? SPDF विच इज डिटरमाइंड बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू, दैट इज द एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली. दैट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्बिट सब ऑर्बिट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ सिर्फ एस है, यहाँ एस पी, यहाँ एस पी डी, और फोर्थ रहेगा यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट, तो दैट इज द SPDF. इस तरह से तो ऑर्बिट डिफरेंट सब ऑर्बिट में डिवाइड है SPDF. अब किस ऑर्बिट के लिए कौन सा सब ऑर्बिट होगा
किस ऑर्बिट के लिए कौन सा सब ऑर्बिट होगा और कौन सा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा एजिमुथल क्वांटम नंबर के, उस ऑर्बिट के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, उस ऑर्बिट के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है। एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू एल पे डिपेंड करेगा कि किस में एस होगा, किस में एस पी होगा, किस में एस पी डी होगा और किस में एस पी डी एफ होगा। ये एजिमुथल क्वांटम नंबर हम लोग क्वांटम नंबर जब पढ़ेंगे उस समय डिटेल में पढ़ेंगे तो और आपको ज़्यादा क्लियर होगा, और आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देर आर फोर टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, एस पी डी एफ। जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये एस पी डी एफ इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन से ये भरता चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट का, सेकेंड जो रूल है, सेकेंड रूल का हम लोग देखेंगे कि ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने देखा कि ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे 2n² फॉर्मूला से, लेकिन सब ऑर्बिट में आप कैसे भरेंगे, सब ऑर्बिट में जो कि आपको दिखाया जा रहा है एस पी डी एफ, तो यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी में आप लिख सकते हैं सेकेंड रूल में ही, द मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब ऑर्बिट इज एज फॉलोज, दैट इज s2p6d10 एंड F14। ये आप याद रखेंगे S2P6D10 F14 SPDF, SPDF सब ऑर्बिट है। अब इस सब ऑर्बिट में आप मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन, ये लिमिट है, इस लिमिट को आप क्रॉस नहीं करेंगे। हाँ, इससे कम आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। अब क्यों हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एनएफ में 14 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इसकी जानकारी आपको डिटेल क्वांटम नंबर में मिलेगी, क्वांटम नंबर से इसकी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो क्वांटम नंबर जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्यों एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एन एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे थर्ड रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज द थर्ड रूल क्या है कि किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे थर्ड ऑर्बिट शोज डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन Different orientation of electrons by magnetic क्वांटम नंबर m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू m। अब ये किसमें कितना बॉक्स होगा,
किसमें कितना ऑर्बिटल होगा, किस ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होगा, या इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ ओरिएंट करेगा, इसकी जानकारी हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है। दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू m। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को ओरिएंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन हमें पता चलेगा और दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, किस ऑर्बिट में, किस सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसकी जानकारी हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू से मिलेगी। जैसे इसके पहले आपने देखा कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। कैसे, तो आप देख सकते हैं एस में ये S2 हो गया, पी में आप देखेंगे 3 ऑर्बिटल, दैट इज द, तो इसमें आप पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और डी में आप देखेंगे 1 2 3 5 1, तो इस तरह से आप देख रहे हैं डी में 10 इलेक्ट्रॉन और F में देखेंगे 14 अब देख रहे हैं S2 P6 D10 F14। अब यहां पर S में क्यों एक ही बॉक्स आपको दिखाया जा रहा है, P में 3 बॉक्स, D में 5 बॉक्स, F में 7 बॉक्स और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल हो जा रहा है। जैसे S में एक बॉक्स है तो S2, P में 3 बॉक्स है तो 1 बॉक्स में 1 और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D है 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल इसके पास है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में 7 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। अब S की संख्या, S में क्यों 1 ऑर्बिटल, P में क्यों 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में क्यों 7 ऑर्बिटल है, इसकी जानकारी हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू से प्राप्त होती है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में, तो वहाँ आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि क्यों S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूल्स नंबर 4, ईच ऑर्बिटल कॉन्टेन 1 or 2 इलेक्ट्रॉन। फोर रूल है। अब यहाँ देखेंगे कि ईच ऑर्बिटल कॉन्टेन 1 or 2 इलेक्ट्रॉन, हम लोग लिख सकते हैं ईच ऑर्बिटल कॉन्टेन 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इफ इट कॉन्टेन 2 इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स स्पिन इज अपोजिट डायरेक्शन। इच क्या आपने लिखा, आप नोट कर रहे होंगे तो ध्यान देंगे, ईच ऑर्बिटल कॉन्टेन 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स, इफ इट कॉन्टेन 2 इलेक्ट्रॉन देन इट्स स्पिन इज अपोजिट डायरेक्शन। अब ये रूल को हम लोग कैसे समझेंगे, फोर्थ रूल को आप देखेंगे। फोर्थ रूल के अनुसार, ऑर्बिटल में 1 or 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 or 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सपोज दैट दिस इज 1s1 एंड दिस इज 1s2,
आपको ये दिखाना है, वन एस वन एंड वन एस टू। तो वन एस वन है तो आप ऐसे लिख दोगे, और आपको पता है हुंस रूल के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग फर्स्ट भरते हैं सिंगली, और जब सिंगल भरेंगे तो इसका स्पिन हम लोग हाफ दिखाएंगे, प्लस हाफ, और प्लस आप दिखाएंगे तो एरो अपवर्ड होगा। और जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, इसमें हम इस ऑर्बिटल में हम दो इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो पहला का तो स्पिन का वैल्यू प्लस हाफ होगा, लेकिन जब हम पेयरिंग करेंगे तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे। दैट मीन्स इसके लिए यदि इसके लिए एफ का वैल्यू प्लस हाफ है तो इसके लिए एस का वैल्यू माइनस हाफ रहेगा। तो प्लस हाफ रहेगा तो आप अपवर्ड एरो दिखाओगे, और माइनस हाफ रहेगा तो डाउनवर्ड एरो दिखाओगे। यही रूल बता रहा है कि ईच ऑर्बिटल कॉन्टेन वन और टू इलेक्ट्रॉन, इफ इट कॉन्टेन टू इलेक्ट्रॉन देन इट्स स्पिन इज अपोजिट डायरेक्शन। ओके, फोर्थ रूल हो गया। फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे, फिफ्थ रूल क्या है। फिफ्थ रूल क्या है, आप देखेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है लोएस्ट एनर्जी लेवल को फर्स्ट ऑक्यूपाई करता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन जो है लोएस्ट एनर्जी लेवल को फर्स्ट ऑक्यूपाई करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आपको पता होगा कि न्यूक्लियस से जितना नज़दीक रहता है, न्यूक्लियस से नियरेस्ट ऑर्बिट का एनर्जी कम रहता है, तो जितना नियरेस्ट होगा उसका एनर्जी कम है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस एनर्जी लेवल में जाता है जहाँ एनर्जी कम है, जहाँ एनर्जी कम है। दैट मीन्स वन एस और टू एस है, तो इलेक्ट्रॉन को यदि फिलअप करना होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वन एस में जाएगा। वन एस फिलअप होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन टू एस में जाएगा। नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल है कि किसी भी एटम में कोई दो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, किसी भी एटम में कोई टू इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं पाया जाएगा जिसका चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो। इसे हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इसको आप लिखेंगे, देयर आर नो टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम विच हैव एनी एटम विच हैव विच हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर वैल्यूज आर सेम। मैक्सिमम थ्री वैल्यूज आर सेम एंड फोर्थ विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। यदि आप पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जानते होंगे तो यही वो रूल है कि किसी भी एटम में कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं पाया जाएगा जिसका चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो। किसी भी एटम में कोई ऐसा दो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा जिसका चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम हो। दैट इज द देयर आर नो टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम
which have all four quantum number values are same, maximum three values are same and fourth will be definitely different. अधिक से अधिक तीन वैल्यू सेम हो सकता है, चौथा निश्चित रूप से डिफरेंट रहेगा, और कम एक भी हो सकता है सेम, दोनों इलेक्ट्रॉन का कोई एक वैल्यू भी सेम रहेगा, दो भी सेम रह सकता है, तीन भी सेम रह सकता है, लेकिन चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, फोर्थ विल बी डेफिनेटली डिफरेंट. यह है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. और नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द सेवेंथ. सेवेंथ रूल है, वी डू नॉट राइट D4 एंड D9, बट वी राइट D5 and D10 by taking the electron from nearest S orbital. अब यहां पर आप देखेंगे सेवेंथ रूल के अनुसार वी डू नॉट राइट D4 एंड D9. D4 और D9 हमें नहीं लिखना है. जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, आपको बता दें बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 30, 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है. आप ध्यान देंगे, और इसमें सेवेंथ रूल ये है कि वी डू नॉट राइट D4 एंड D9, बट वी राइट D5 एंड D10 बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरेस्ट एस ऑर्बिटल. D4 और D9 हमें नहीं लिखना है, D4 और D9 नहीं लिखना है. D4 की जगह हमें क्या लिखना है? D5. और D9 की जगह हमें क्या लिखना है? D10. अब किसी एटम का एटॉमिक नंबर तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, एटॉमिक नंबर इज फिक्स नंबर. तो हम क्या करेंगे, इस डी ऑर्बिटल के नियरेस्ट जो एस ऑर्बिटल रहेगा वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट कर देंगे. जैसे D4 की जगह D5 हमें करना है, तो D4 के बगल में जो ऑर्बिटल रहेगा वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट कर देंगे. और उसी तरह D9 हमें नहीं लिखना है, D9 की जगह D10 लिखना है, तो D9 के बगल में जो एस ऑर्बिटल रहेगा तो वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके D9 की जगह D10 कर देंगे. इसको हम लोग समझेंगे, एटॉमिक नंबर जिसका 24 है उस एलिमेंट का और जिसका 29 है. आपको याद रखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आपको याद रखना होगा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर. एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, यू हैव टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम 1 to 30. 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 3 या 4 नंबर का, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर हो. ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे D4 वाला एग्जाम्पल. अब देखेंगे क्रोमियम का कितना है, 24. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है. जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, चूंकि इसकी एनर्जी कम है तो आप देखेंगे 3d4. देखेंगे, अब देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का. क्रोमियम का
एटॉमिक नंबर 24 वी हैव टू अरेंज 24 इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट और सब ऑर्बिट. सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 4s2, 3d4. लेकिन रूल कह रहा है कि हमें 3d4 नहीं लिखना है, 3d4 नहीं लिखना है, और 3d4 नहीं लिखकर हमें क्या लिखना है, 3d5. d4 हमें नहीं लिखना है, ये 3 रहे 4 रहे इसे हमको कोई मतलब नहीं है, वी डू नॉट राइट d4. तो d4 हमें नहीं लिखना है, हमें d5 कर देना है. और आपको यह भी बताया गया है कि d4 को d5 आप कैसे करोगे, तो बगल वाले s ऑर्बिटल से क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दोगे. दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, 3d5 और यहाँ 4s2, तो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s1. दिस इज द करेक्ट 3d5 एंड 4s1 अकॉर्डिंग टू रूल्स. रूल्स के अनुसार 3d5 और 4s1 होगा इसका लास्ट में. अब सेकंड हम लोग देखेंगे इन द केस ऑफ कॉपर. कॉपर का आप देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और यहाँ जाएगा 3d9. आप देखेंगे 2, 2, 4, 6, 29 को हमने अरेंज किया है, जिसमें आ रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2. लेकिन हमें 3d9 नहीं लिखना है, हमें 3d9 नहीं लिखना है. जैसे यहाँ पर d4 हमें नहीं लिखना है, उसी तरह यहाँ पर D9 हमें नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, D10. D10 कैसे लिखेंगे, जब भी आपको D रहेगा बगल में S रहेगा, तो S ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन हमें शिफ्ट कर देना है. वी हैव टू शिफ्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरेस्ट S ऑर्बिटल एंड देन इट विल बी 3d10 4s1. एंड करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज लाइक दिस, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और उसके बाद 4s1. दिस इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक लास्ट बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में जाता है उसका ऑर्डर क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है. तो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इसको, आप देख लेंगे, लिखेंगे आप इसको. लास्ट रोल, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग एनर्जी. इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी. अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट एनर्जी लेवल में प्लेस ऑक्यूपाई करता है, या डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरता है, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है, तो ये तो हमको पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के आधार पर ये करता है. लेकिन इस इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का सीक्वेंस क्या है, ये हमको जानना पड़ेगा कि देयर आर फॉलोइंग
फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल. देर आर फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल. अब ये क्या है, किस ऑर्डर में इसे हम लोग अरेंज करेंगे, तो देखेंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, 4s, 3d, 3d के बाद कहाँ जाएगा, 4p, 4p, फिर 5s, 4d, 4d, 5p, 5p के बाद कहाँ जाएगा, 6s, 4f, उसके बाद 5d, 6p, 5d, 6p, 6p के बाद 7s, 5f, 5f के बाद 6d एंड 7p. इतना आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा 1s से लेकर आपको एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. बट यू हैव टू नो, आपको जानना है. और इसको डीप कर, आपको जानना है कि और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो आप कैसे लिखेंगे. एनर्जी लेवल का ये सीक्वेंस क्या है, किसके बाद किसका एनर्जी है बढ़ते हुए क्रम में, आप देखेंगे. इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. देर आर फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, दैट इज द 1s. सबसे पहले 1s में भरेगा, उसके बाद 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. और आपको ये तो पता है कि s में मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आप फिलअप कर सकते हैं. तो ये इतने रूल्स की जानकारी रखते हुए आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं. यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट. तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये सारा रूल्स समझ में आ गया होगा. आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे और आप इसका प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर. ओके, थैंक यू.